टी20 वर्ल्ड कप 2021 के आखिरी लीग मुकाबले में जीत के साथ टीम इंडिया टूर्नामेंट से विदा हो गई। वैसे तो नामीबिया के खिलाफ जीत से टीम इंडिया को कुछ हासिल नहीं होने वाला था, लेकिन सम्मान के लिए ये जीत भी जरूरी थी। 9 विकेट की धमाकेदार जीत के साथ टीम इंडिया ने अपने कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को जीत के साथ फेयरवेल दिया। बतौर टी20 कप्तान विराट कोहली ने अपने आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक सधी शुरुआत के साथ नामीबिया ने पूरे 20 ओवर खेले और एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा को 3-3 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए नामीबिया के दो बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। हालांकि मोहम्मद शमी महंगे साबित हुए और कोई भी विकेट नहीं निकाल सके। 133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार लय दिखाई। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवरों में 86 रन जोड़ दिए। इस मैच में चौके के साथ रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। ऐसा करने वाले रोहित शर्मा भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। 37 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 56 रन बनाने वाले रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने भारत को जीत तक पहुंचाया। 22 गेंद बाकी रहते ही भारत 9 विकेट से जीत गया। केएल राहुल ने एक बार फिर धमाकेदार हाफ सेंचुरी बनाई। वैसे तो ये जीत भारत के लिए महज एक औपचारिकता मात्र थी, लेकिन जीत की हैट्रिक से टीम के पस्त हौसले को कुछ ढाढ़स जरूर मिला होगा। साथ ही रोहित शर्मा और केएल राहुल का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।